Here students, in today's class I will tell you about the origin of the novel and four wheels of the novel. Before coming on the four wheels of the novel, it is very important that you have to know that the word novel came from Italian word novella. जो word novel है ये Italian word novella से आया हुआ है and is it means what? It means things recently originated. Means the word novel, it refers to things recently originated. Ultimately, it came in the 18th century. This is why the word things recently originated has been added with the novel. One thing I want to tell you, what is the definition of the novel? A novel is a relatively long work of narrative fiction, normally written in prose form. So one thing is very important, ki long work of narrative fiction, dusra cheez written in prose form. एंड विच इज़ टिपिकली पब्लिश एज अ बुक. ठीक है, तो ये पहला उन्होंने डिफिनेशन बताया कि द वर्ड नावल केम फ्राम इटालियन वर्ड नावेला विच मीन्स थिंग्स रिसेंटली ऑरिजिनेटेड. इट इज़ अ प्रोज वर्क एंड लॉन्ग नरेटिव स्टोरी इसमें होता है, लॉन्ग नरेटिव स्टोरी एंड रिटन इन प्रोज फॉर्म. इन द वर्ड्स ऑफ वाल्टर स्कॉट, वाल्टर स्कॉट एक बड़े हिस्टोरिकल नावलिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि इन द नावल इवेंट्स आर एकोमोडेटेड टू द ऑर्डिनरी ट्रेन of human events and the modern state of society. ये वाल्टर स्कॉट का स्टेटमेंट है. इन द वर्ड्स ऑफ वाल्टर स्कॉट, वाल्टर स्कॉट आगे कहते हैं कि द रोमांस इज अ फिक्टिटियस नैरेटिव इन प्रोज आर वर्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ विच टर्न्स अपन मार्वेलस एंड अनकॉमन इंसिडेंट. मतलब सेकेंड में जो उनका डिफिनेशन है वो रोमांस के बारे में, कि रोमांस जो फिक्टिटियस नैरेटिव होता था इन प्रोज में फॉर्म में या वर्ड्स में. वाल्टर स्कॉट डिस्क्राइब्स रोमांस एज अ किंडर टर्म. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाल्टर स्कॉट ने रोमांस को क्या कहा, किंडर्ड टर्म कहा. ही यूज दिस टर्म फॉर हिस्टोरिकल रोमांस एज इमली ब्रॉन्टीज वुदरिंग हाइट्स एंड हरमन मेलविल्स मॉबी डिक. तो इमली ब्रॉन्टी का वुदरिंग हाइट्स एक रहा था वर्क, और हरमन मेलविल्स का मॉबी डिक था, वो सब भी जो है किस कैटेगरी में आता है, रोमांस की कैटेगरी में. जेन ऑस्टिन इन हर नावल नॉर्थेंजर अबे सेज द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ माइंड आर डिस्प्लेड इन द नावल. तो वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जेन ऑस्टिन जो डोमेस्टिक नावलिस्ट रही हैं, उनका एक नावल था नॉर्थेंजर अभी, उन्होंने कहा था उसमें कि सबसे बढ़िया जो पावर ऑफ माइंड होता अगर वो कहीं दिखाई पड़ता तो नावल में. एक राइटर है इयान वाट, इयान वाट कहते हैं जिन्होंने किताब लिखा द राइज ऑफ द नावल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक द राइज ऑफ द नावल, इट केम इन 1957. Suggested that the modern novel was born in the early 18th century. अगर क्वेश्चन कभी आता है नावल की उत्पत्ति कब हुई, तो 18th सेंचुरी में हुई है. इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट अ नावल इज़ अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव विच डिस्क्राइब्स इंटीमेट ह्यूमन एक्सपीरियंस. अ नावल इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव वर्क ऑफ फिक्शन विद सम रियलिज्म. इट इज़ ऑफन इन प्रोज फॉर्म एंड इट पब्लिश्ड अ सिंगल बुक. द वर्ड नावल हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड नावेला विच मीन्स न्यू. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ईएम फास्टर का. ईएम फास्टर इन हिज बुक, ईएम फास्टर ने अपनी किताब में लिखा एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल, टेल्स अबाउट सेवन एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल. वो जो है सेवन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं नावल के, द स्टोरी, द पीपल, द प्लॉट, प्रोफेसी, फैंटेसी, पैटर्न एंड रिदम. ये सेवन एस्पेक्ट्स हैं. ईएम फास्टर गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड और फ्लैट कैरेक्टर. उन्होंने राउंड और फ्लैट कैरेक्टर के बारे में बात की. राउंड कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, दे डोंट मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया. फ्लैट कैरेक्टर मीन्स सिंपल कैरेक्टर, दे मूव अराउंड अ सिंगल आइडिया. इन हैमलेट, हैमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ राउंड कैरेक्टर, वाइल हिज फ्रेंड होरेसियो फ्लैट वन. ई एम फास्टर मेड द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टोरी एंड प्लॉट. तो होप यू लाइक दिस वीडियो. इन दिस वीडियो व्हाट डिड आई टेल यू, आई जस्ट टोल यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नावल, की द वर्ड नावल केम फ्रॉम इटालियन वर्ड नावेला विच मीन्स थिंग्स रिसेंटली ओरिजिनेटेड. नावल 18th सेंचुरी में आया है. नावल की डिफिनीशन को लेकर वाल्टर स्कॉट क्या कहते हैं, रोमांस को लेकर उन्होंने क्या कहा, जेन ऑस्टिन एंड नॉर्थेंजर अबे में क्या कहा, इयान वाट एक राइटर जिन्होंने राइज ऑफ द नावल लिखा हुआ है, ईएम फास्टर ने एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल लिखा, उसमें उन्होंने नावल के सेवन एस्पेक्ट्स के बारे में बात किया हुआ है, और ईएम फास्टर ने राउंड और फ्लैट कैरेक्टर के एग्जांपल दिया हुआ है. ईएम फास्टर ने डिस्टिंक्शन बिटवीन नावल एंड स्टोरी के बारे में बात की हुई है, स्टोरी एंड प्लॉट के बारे में बात किया हुआ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को समझने की कोशिश करना है.